नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल न्यूज बेरी पे। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की टॉप हेडलाइंस से। सबसे पहले जान लेते हैं कोरोना अपडेट। भारत में अब तक 84,55,000 से भी ज्यादा लोग हो चुके हैं कोरोना से संक्रमित। वहीं 78,13,000 लोग हो चुके हैं कोरोना से ठीक। 1,25,500 लोगों की हो चुकी है कोरोना से मौत। कोरोना ने दिल्ली में तोड़े सभी रिकॉर्ड। पहली बार 7,000 से अधिक नए मामले, साथ ही 64 लोगों की गई जान। 24 घंटे में आए 7,178 नए मामले। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने दिए बेड बढ़ाने के निर्देश। बिहार में तीसरे और अंतिम चरण की वोटिंग आज। 15 जिलों की 78 सीटों पर होगा मतदान। लालू यादव को नहीं मिली जमानत। वहीं जमानत न मिलने पर मांझी ने कसा तेजस्वी पे तंज। बोले, तेजस्वी जी 9 नवंबर वाला फैसला तो आज ही आ गया और 10 नवंबर का फैसला भी जनता ने कर दिया है। ना 9 नवंबर को लालू जी जेल से छूटेंगे और ना 10 नवंबर को आपकी सरकार बनेगी। अर्नब गोस्वामी की अर्जी पर बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई शनिवार तक के लिए टली। आज 12 बजे से होगी सुनवाई। अर्नब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट से राहत। महाराष्ट्र विधानसभा के सचिव को अवमानना नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा सचिव को 2 सप्ताह में कारण बताने के लिए कहा है। साथ ही नोटिस में कहा है कि विधानसभा नोटिस दिखाने के लिए अर्नब गोस्वामी को धमकी देने के लिए उनके खिलाफ अवमानना कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जाए। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जीत की दहलीज पर जो बाइडेन, ट्रंप मानने के दिए संकेत। अदालतों ने ट्रंप कैंपेन के मुकदमे की खारिज। चुनाव अभी खत्म नहीं हुआ। बाइडेन की जीत तय देख ट्रंप की कैंपेन टीम ने किया दावा। बंगाल दौरे पर अमित शाह बोले, हमारे लिए मुस्कुराने का समय। खत्म होगा ममता बनर्जी का शासन। कर्नाटक ने कोरोना महामारी के चलते दिवाली के पहले पटाखों पर लगाया प्रतिबंध। कई राज्यों में दिवाली पर पटाखों के बैन पर बोले कुमार विश्वास, सरकारों के निकम्मेपन से पैदा प्रदूषण का ठीकरा, पटाखों के सिर फोड़ना ठीक नहीं। श्रीराम की नगरी इस दिवाली बनाएगी वर्ल्ड रिकॉर्ड। अयोध्या होगी 5,51,000 दीपों से जगमग। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में होगा दर्ज। ट्रंप के पूर्व सलाहकार ने दी सिर कलम करने की धमकी। ट्विटर ने किया बैन। ट्विटर ने ट्रंप के पूर्व सलाहकार स्टीव बैनन के उस बयान के बाद बैन लगाया है, जिसमें उन्होंने FBI निर्देशक क्रिस्टोफर रे और सरकार के प्रमुख महामारी विशेषज्ञ डॉक्टर एंथोनी फाउची का सिर काटने की बात कही थी। भारत की चीन को 2 टूक। LAC पर यथास्थिति बहाली ही गतिरोध का हल। चीनी सैनिकों को पीछे हटना ही होगा। हरियाणा सरकार का महिलाओं को बड़ा दिवाली तोहफा। पंचायती राज व्यवस्था में 50% भागीदारी पर मुहर। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा, शिकायतकर्ता का SC ST होने का मतलब ये नहीं कि उच्च जाति के व्यक्ति को अपराधी मान लिया जाए। सोशल मीडिया पर वायरल हुई गुंडों की रेट लिस्ट। धमकी, कुटाई, मर्डर का अलग अलग रेट किया जारी। यहाँ तक कि फोन नंबर भी दे रखा है। वहीं वायरल होने के बाद साइबर क्राइम ब्रांच एक्टिव हो गया है। जल्द हो सकती है गिरफ्तारी। यूपी के मुजफ्फरनगर की है घटना। व्हाट्सएप पे को मिली हरी झंडी। गूगल पे और फोन पे को देगा चुनौती। SSC CHSL भर्ती का नोटिफिकेशन जारी।
12वीं पास कर सकते हैं आवेदन। 15 दिसंबर है लास्ट डेट। उत्तराखंड एसएससी ने ग्रेजुएट लेवल पे असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर और वीडियो सहित 854 पदों पर निकाली भर्तियां। 24 नवंबर है लास्ट डेट। हफ्ते के आखिरी दिन भी चढ़ा बाजार। सेंसेक्स 553 अंक उछला, 41,893 पर हुआ बंद। वहीं निफ्टी भी 143 अंक चढ़कर 12,264 पे बंद हुआ। सोने में 791 रुपए की तेजी, चांदी में 2,147 रुपए का उछाल। दिल्ली में सोना 791 रुपए चढ़कर 51,717 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है। वहीं चांदी में भी 2,147 रुपए का उछाल देखने को मिला। चांदी 64,578 रुपए प्रति केजी पे बंद हुआ। कल आईपीएल टी20 में खेला गया दूसरा प्लेऑफ। कल के मैच में हैदराबाद ने बेंगलोर को 6 विकेट से हरा दिया। हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी की। बेंगलोर 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर मात्र 131 रन ही बना सकी, जिसे हैदराबाद ने 2 गेंद शेष रहते हुए 4 विकेट के नुकसान पर बनाकर मैच जीत लिया। केन विलियमसन को मैन ऑफ द मैच चुना गया। इस मैच के साथ ही अब फाइनल के लिए हैदराबाद दिल्ली से भिड़ेगी। रविवार को होगा दिल्ली और हैदराबाद का मैच। जीतने वाली टीम फाइनल में मुंबई से 10 नवंबर को भिड़ेगी। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो कल फिर मिलता हूँ मैं आपसे ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए अपने दोस्त को इजाजत। नमस्कार।